समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है। कोर्ट ने 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। महिला का घर जलाने के मामले में सजा हुई है। 3 जून को कोर्ट ने दोषी दिया था और बताया जा रहा है कि इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी को भी सजा सुनाई गई है। 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ इलाके में महिला का घर जलाने का आरोप था। महाराजगंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी। फिलहाल सजा का ऐलान हुआ है। इससे पहले कोर्ट ने इरफान सोलंकी और उसके भाई को दोषी माना था और आज सजा का ऐलान किया गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। मतलब ये कि अब उनकी विधायकी भी चली जाएगी। कानपुर से हमारे सहयोगी ओम बाबू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम बाबू, क्या जानकारी, क्या अपडेट सजा से संबंधित? जी, मैं आपको बताऊं कि MP MLA कोर्ट में कुछ देर पहले ही सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और 3 अन्य आरोपियों को अब सजा सुना दी है। सभी को 7-7 साल अधिकतम सजा सुनाई गई है। ये आगजनी का मामला था। महिला का घर जलाने के मामले में इनके खिलाफ मामला चल रहा था जिसकी सुनवाई हुई थी और अब इसका फैसला आ गया है। 436 धारा आगजनी के तहत इन्हें अधिकतम 7 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना इन पर लगाया गया है। अन्य जो मामले इन पर दर्ज है उनमें भी 1 साल धारा 147 में 2 साल की सजा और 427 में 1 साल की सजा जी, 504 में 6 माह की सजा सुनाई गई है। जी ठीक है ओम बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।